व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ बार्सिलोना स्पेन में, एंड लास्ट व्लॉग आपने एम्स्टरडैम का देखा होगा। एम्स्टरडैम में हम टोटल 3 दिन थे, बट वीडियो मैंने एक ही बनाई क्योंकि एम्स्टरडैम की मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ पहले। अगर आपको डिटेल में रेड लाइट एरिया देखना है, नाइट लाइफ देखनी है, अट्रैक्शंस देखनी है, उन सब के ऊपर मैंने पहले वीडियोस बनाई भी थी 2-3 बारी। इसीलिए मैंने सोचा एम्स्टरडैम में थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ज़्यादा मैंने फिल्म किया नहीं वहाँ पे, काफ़ी इन्जॉय किया एम्स्टरडैम में। बहुत ही बढ़िया सिटी लगती है एम्स्टरडैम। अगर आप यूरोप आओ तो एम्स्टरडैम ज़रूर जाना। एंड कल हम फ्लाइट लेके आए थे एम्स्टरडैम से यहाँ बार्सिलोना स्पेन की। स्पेन थोड़ा सा काफ़ी नीचे हो जाता है तो हम ड्राइव नहीं कर सकते थे। ड्राइव अगर करते तो वापस जाते हुए बहुत ज़्यादा लंबी ट्रिप पड़ जाती, तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी एयरपोर्ट पे, एम्स्टरडैम के एयरपोर्ट पे। स्पेन भी मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ बट वीडियोस कभी नहीं बनाई हैं, तो ये पहला व्लॉग होने वाला है स्पेन का। अभी हम बार्सिलोना में हैं। क्या सीन है फिर बार्सिलोना घूमने का आज? ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि रात में कुछ नहीं ढंग से खाया था, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। एक मैंने ढूंढा है ब्रंच प्लेस है, हाँ, ब्रंच एंड केक, बहुत मस्त है। उस पर बढ़िया फ्रेंच टोस्ट मिलते हैं, अवोकाडो पैकेट्स मिलते हैं। जिस सिटी में चले जाओ तुझे रिकमेंडेशन पहले ही पता है खाने का। आया था ना जब पहले बात की, खाना तो सबसे मेन है। वैसे भी इसको खाने के तो मेन ही है, इसको सब जगह का पता कि कहां पे क्या अच्छा मिलता है। ये तो वही खाना मेन अट्रैक्शन है, खाना 60% अट्रैक्शन है तेरे लिए। एंड स्पेन आने का हमारा मेन पर्पस था, हमें टोमाटीना अटेंड करना है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आपने देखा होगा जो इनका टमाटर वाला फेस्टिवल होता है वो यहाँ बार्सिलोना से 3 घंटे दूर होता है। आज 26 तारीख है तो 2 दिन हमारे पहले बार्सिलोना में है, तो आज के व्लॉग में आपको पूरा बार्सिलोना दिखाता हूँ, यहाँ की सारी मेन अट्रैक्शंस, नाइट लाइफ कैसी है बार्सिलोना की, यहाँ का लोकल फूड, सारी चीज़ें। ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये हमारा होटल, यहाँ बार्सिलोना में हम स्टे कर रहे हैं ग्रैंड हयात में। हमने सोचा ये लास्ट डेस्टिनेशन है इस रोड ट्रिप की, तो थोड़ी लग्जरी रखते हैं, तो इसीलिए ग्रैंड हयात बुक करा लिया। बहुत ही बढ़िया होटल है, अभी वापस आके आपको दिखाऊंगा जब दिन में वापस आएंगे। अभी बस निकल रहे हैं सुबह सुबह, सबसे पहले कहीं ब्रंच करने चलते हैं। एंड बार्सिलोना में मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि लोकल टैक्सी बहुत ही सस्ती है, तो अभी हमने ना गाड़ी रेंट करी एंड ना ही आपको ऊबर वगैरह मंगानी। हर जगह इतनी सारी टैक्सी खड़ी हैं, आप कोई भी ले लो। वो टेस्ला ले लेंगे पीछे, वो मॉडल 3 लाइन्स में लगी। अच्छा, ये लाइन वाला सिस्टम पूरी सिटी में ही है क्या? तो यार वैसे वहाँ पीछे वो टेस्ला मॉडल 3 खड़ी थी, वो भी ले सकते थे, बट यहाँ पर सिस्टम क्या है कि टैक्सी ऐसे लाइन में लगेंगी एंड जो पहली वाली है अब वही ले सकते हो। अब जैसे इस बंदे ने ये वाली ले ली तो हम ये वाली लेंगे। आ जाओ फिर यही ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर रहे आए हैं यहाँ ब्रंच एंड केक पे, काफ़ी फेमस प्लेस है बार्सिलोना में। बाहर बैठना है अंदर? अंदर बैठते हैं, थोड़ी गर्मी है। सबसे पहले तो एक कैपेचिनो मंगा ली मैंने और सूरज ने। तूने क्या मंगाया कर फिर? लेमनेड टाइप है क्या? और ऋषभ ने मंगाया ऑरेंज जूस, यहाँ का फ्रेशली स्क्वीज। भाई तो मस्त लग रहा है खाना। तो सूरज ने ये एग शक्शुका मंगाए हैं, अरेबिक डिश होती है अंडों की, साथ में ये स्पाइसी सॉस टमेटो। और भाई ये भी पूरा बोल भी एडेबल है। मैंने इनका मंगाया ये चिकन सुपर सैंडविच। तो नाश्ता तो एकदम बढ़िया था। और कौन सी जगह ढूंढ रखी है तूने खाने के लिए? एक टापास, टापास है। हाँ। वो बड़ा इनका वो स्पैनिश बार टाइप का है, वहाँ पे वो छोटे छोटे पोर्शन देते हैं। अच्छा, ऐसे स्टार्टर्स टाइप के, मतलब बतातास, ब्रावोस और ये सब देते हैं। वो ऐसे बियर वियर पियो वहाँ पे और शाम को चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ की सबसे फेमस जो स्ट्रीट है बार्सिलोना की, ला राम्बला, वही पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ में गॉथिक क्वार्टर्स हैं। तो जितनी भी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेन, वो उसी एरिया के आसपास है जहाँ हमने नाश्ता किया है, उससे 10-15 मिनट की वॉक पे है। तो पहले सोच रहे हैं वो पूरा घूम लें, फिर चलेंगे सग्रादा ही फेमिलिया, जो आई थिंक पूरे बार्सिलोना की सबसे मेन अट्रैक्शन होगी। क्या मेन है उसमें वो आपको पहुँच के बताऊँगा पूरा। अभी पहले यहाँ ला राम्बला चलते हैं, आपको दिखाता हूँ जो मेन स्ट्रीट है बार्सिलोना की। तो ये आ गई बार्सिलोना की सबसे फेमस स्ट्रीट प्लाजा दे कातालुनिया। ये 1.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है एंड इसी पे ऑलमोस्ट सारी फेमस अट्रैक्शंस हैं। सबसे पहले जो हम आए हैं वो है ये कासा पातियो। ये आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, ये ऐसे क्रुकेड सा हाउस है, मतलब जो पूरा ही आर्किटेक्चर है स्पेन का बाकी यूरोप से काफ़ी डिफरेंट है। ऐसी बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं बार्सिलोना में बट ये सबसे ज़्यादा फेमस है कासा पातियो। आप इसके अंदर भी जा सकते हो टिकट लेके। एंड ये जो कासा पातियो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं इस बिल्डिंग को देखने सिर्फ। एंड ये ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए बनाई थी, जो इसका आर्किटेक्ट था गौदी, उसने
तो ये जो मेन स्ट्रीट है यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा जाना है 7-8 मिनट की वॉक पे, जहाँ पर इनका मेन स्क्वायर आ जाएगा ला रामला। एंड पूरे बार्सिलोना में आपको हर जगह ऐसी ये न्यूज़पेपर शॉप्स दिखेंगी। मोस्टली ये सारी दुकानें इंडियंस की हैं, अगर आपको थोड़े बहुत सुविनियर लेने हैं, ड्रिंक्स वगैरह लेनी है, हर जगह है। यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर कम है, ऐसे ये न्यूज़पेपर स्टॉल ज़्यादा है। एंड इस पूरी स्ट्रीट पे मेन जो दुकानें हैं वो सारी शॉपिंग के लिए ही हैं, एक से एक शोरूम है। एंड यहीं प्लाजा दे कातालुनिया पे इनका सबसे बड़ा ज़ारा स्टोर है। ज़ारा अगर आपको नहीं पता तो यहीं स्पेन की कंपनी है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर आपको सबसे सस्ती ज़ारा की शॉपिंग करनी है तो यहाँ स्पेन से करना, अराउंड 30-40% कम प्राइसेस होते हैं पूरे वर्ल्ड से। ये है बार्सिलोना का सबसे मेन स्क्वायर जो मैं आपको बता रहा था, इसी से वो ला रामब्ला स्ट्रीट जाती है। अब यहाँ प्लाजा दे कातालुनिया से टैक्सी ले रहे हैं, जो दूसरी हमें अट्रैक्शन जाना है सग्रादा फैमिलिया। तो गाइस ये आ गया मेरे सामने पूरे स्पेन की आप कह सकते हो सबसे फेमस अट्रैक्शन सग्रादा फैमिलिया। 1882 में ये बनना चालू हुआ था, 142 इयर्स पहले, एंड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनगोइंग जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है वो कैथोलिक चर्च है ये, यहाँ का बेसिलिका। एंड वीडियो में आपको पता नहीं लगेगा बट इतना ग्रैंड स्ट्रक्चर है, जो पूरी इन्होंने डिटेलिंग बनाई हुई है, सब कुछ बाय हैंड है इसमें, तभी इतना टाइम लग रहा है बनने में। एंड अभी तक भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 142 इयर्स हो गए हैं, एंड अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि ये कब कंप्लीट होगा। तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई मॉन्यूमेंट नहीं है जिसको इतना टाइम लगा हो बनने में। एंड ये जो सग्रादा फैमिलिया है इसका भी आर्किटेक्ट सेम ही है जो मैंने आपको कासा बातियो दिखाया था अभी, दोनों को एक ही आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हुआ है, एंटोनी गाउदी। तो अब थोड़ी देर बार्सिलोना घूम के यहाँ लंच करने आ गए इंडियन रेस्टोरेंट पे, सोचा आज इंडियन भी खाना ट्राई कर लेते हैं यहाँ बार्सिलोना में। ये सबसे फेमस रेस्टोरेंट दिखा रहा था रसोई, तो ज़ारा से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके वापस आ गए हैं होटल। काफ़ी बढ़िया लगे यहाँ पे प्राइसेस मुझे ज़ारा के, थोड़ी बहुत शॉपिंग घर इतने कर ली, बाकी कल कर लेंगे। कल हमारा प्लान है शॉपिंग विलेज जाने का पास में ही। अब आपको होटल दिखा देता हूँ जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, ग्रैंड हयात। ये होटल बिल्कुल कैंप नो के पास है जो बार्सिलोना का फुटबॉल स्टेडियम है, तो लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। अब आपको फाइनली दिखाता हूँ रूम, रूम नंबर है हमारा 526। ये यहाँ होटल का किंग रूम है, अंदर घुसते ही राइट में ये पूरा वॉशरूम वाला एरिया है, शावर, बढ़िया किंग बेड। बाहर से आपको व्यू भी दिखा देता हूँ, सामने का व्यू भी एकदम बढ़िया है। तो काफ़ी बढ़िया होटल लगा, बिल्कुल लग्जरी है एकदम सब कुछ। यूरोप में तो इतना लग्जरियस रूम मिलना बहुत मुश्किल है। कितनी सिटीज में रुक गए, मतलब प्राग में स्वीट रूम्स थे ऐसे तो। हाँ, और कितने का पड़ा हमें ये? ये एक तरीके से हमें 13,000 का पड़ा। 60 के दो रूम पड़े हमें दो नाइट के लिए, 15,000 का, तो ये 15,000 पर नाइट का पड़ा रूम। तो अगर आप भी आओ तो बहुत बढ़िया डील लगी मुझे ये। वैसे ये होटल 22-23,000 रुपए नाइट का है, वो हमें बहुत अच्छी डील मिल गई इस पे। एंड ये है हमारे होटल का रूफटॉप बार, यहाँ से बार्सिलोना का फेमस माउंट डिबिडाबो दिख रहा है। तो शाम को थोड़ी देर यहाँ आ गए एक एक ड्रिंक पीने, यहाँ रूफटॉप से पूरे बार्सिलोना का व्यू दिख रहा है। तो होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब शाम को आए हैं, जो बाकी एक दो चीज़ें हैं बार्सिलोना में देखने वाली। सबसे पहले यहाँ पार्क वेल, माउंटेन टॉप पे इन्होंने एक पार्क बनाया हुआ है जहाँ से पूरा बार्सिलोना दिखता है, तो वहीं जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने पार्किंग लगाई थी बट यहाँ से भी 20 मिनट की वॉक बता रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ऊपर ही लगा लें पार्किंग। लास्ट बार तो यार वो हम तो सीढ़ियों से चढ़ के गए थे, वो कहाँ पर है? वो हम इस बारी दूसरी एंट्री से आए ना, ये ईस्ट गेट है, पर वहाँ से सुंदर बहुत था ऊपर चढ़ के आना। वॉक इतनी सुंदर है, ब्लू ब्लू सा पूरा पार्क बना हुआ है। हाँ, तो बहुत सुंदर है। एंड गाड़ी भी हमने एक दिन के लिए रेंट कर ली थी, पहले तो हम टैक्सी में ही घूम रहे थे, फिर हम जाके गाड़ी रेंट कराए थे, ये इकोनॉमी गाड़ी सित्रवा की C3। तो अभी एंट्रेंस पे गए, ये जो अट्रैक्शन है पार्क वेल, एंड टिकट्स अभी सोल्ड आउट दिखा रहा है। हमें पता नहीं था कि एक दिन पहले टिकट लेनी होती है अगर आपको आना है, एंड मेन टाइम सनसेट ही है, अगर आप दिन में आओगे तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है।
तो हम स्पेशली सनसेट पे आए थे, बट टिकट सोल्ड आउट है, ना ऑनलाइन मिल रही और ना ही एंट्रेंस पे। तो फिर सोच रहे हैं कि अब बीच ही चलते हैं, यहाँ का फेमस बीच है। तो ये पार्किंग से ही थोड़ा व्यू दिख रहा है, यहीं से बस देख के निकलते हैं। वहीं हमें सामने जाना है, वो W होटल जो आप देख रहे हो वहीं पे इनका फेमस बीच है, बार्सिलोनीता बीच। तो फाइनली आ गए हैं यहाँ बार्सिलोनीता बीच पे, सबसे फेमस बीच है बार्सिलोना का। एंड पार्किंग हमने लगाई है यहीं पे, एक अंडरग्राउंड पार्किंग थी बिल्कुल इनके मरीना के पास में। ये इनका पोर्ट मरीना है जहाँ पर सारे लोग अपनी बोट पार्क करते हैं, ऑलमोस्ट ये सारी प्राइवेट लोगों की होती है। यार यहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी लगती है, लास्ट बार भी जब मैं बार्सिलोना आया था हर बंदा आराम से बीच वॉलीबॉल खेल रहा है। इवन अगर आप रात के 1 बजे भी आओगे तो भी सारे लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। राइट में सारे मेन नाइट क्लब्स हैं बार्सिलोना के, जितने भी फेमस नाइट क्लब्स हैं, OPM हो गया, पाशा हो गया। अगर आपको बार्सिलोना में पार्टी करनी है, नाइट लाइफ इन्जॉय करनी है, उसके लिए भी बेस्ट एरिया यही है। एंड वो जो सामने आप होटल देख रहे हो वो है यहाँ बार्सिलोना का W होटल, मैरियट वालों का। पूरी सिटी की बेस्ट लोकेशन पे सबसे बेस्ट होटल वही है अगर आपको लग्जरी होटल में रुकना है। बिल्कुल अभी अभी सनसेट हुआ है एंड स्काई इतना सुंदर लग रहा है इस वक्त। एंड वो है सारे नाइट क्लब जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो सामने OPM है, पूरे बार्सिलोना का सबसे फेमस क्लब यही है, उसके साथ में वो पाशा है। एंड अगर आपको पूल पार्टी जाना है तो सबसे बेस्ट पूल पार्टी होती है W होटल में ही हर संडे को, समर्स में। इस संडे लास्ट पूल पार्टी थी, हम अनफॉर्चुनेटली जिस दिन बार्सिलोना पहुँचे थे उस दिन की हमारी पूल पार्टी बुक थी, बट लेट हो गए थे तो जा नहीं पाए। शाम को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ बीच पे वॉक करने में। एंड अब आगे तक वॉक करके जा रहे हैं, किसी शैक पे बैठते हैं, थोड़ी बहुत ड्रिंक्स पियेंगे, फिर जाएंगे होटल चेंज वेंज करने।